गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज साइंस वन से रिलेटेड जो भी हम लोग का फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स है उसका हम लोग क्या करेंगे, क्विक रिविजन करेंगे। तो साइंस वन में सबसे फर्स्ट दैट इज चैप्टर नंबर वन क्या है, ग्रेविटेशन। इसमें आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज क्या बोला गया, केप्लर्स लॉस। ओके, इसमें सबसे पहला है दैट इज केप्लर्स फर्स्ट लॉ है। अभी केप्लर्स फर्स्ट लॉ में आपको फर्स्ट मेन क्या ध्यान देना, ऑर्बिट किसका बोला गया, प्लैनेट का। क्या रहेगा बोला गया, एलिप्स। एंड सन कहाँ पे रहेगा बोला गया, वन फोसाई पे। बस ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट क्या रहेगा, एलिप्स। सन कहाँ पे रहने वाला है, वन ऑफ द फोसाई पे। अब आते दैट इज केप्लर्स नेक्स्ट क्या बोला गया, सेकेंड लॉ। ओके, अरे केप्लर सेकेंड लॉ में मेन आपको किसी और बात करना है, लाइन किसको ज्वाइन करता है, ये ज्वाइन करता है प्लैनेट एंड क्या है दैट इज सन। ठीक है, एक लाइन है जो किसको ज्वाइन करता है, प्लैनेट एंड किसको, सन को। ये लाइन क्या करता है बोला गया, इक्वल एरिया क्या करता है, स्वीप करता है इन, यहाँ पे क्या बोला गया, इक्वल इंटरवल ऑफ क्या बोला गया दैट इज टाइम। कि वो एरिया इक्वल कवर करता है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ क्या बोला गया, टाइम में। फिर आते केप्लर्स थर्ड लॉ। ओके, इसका मेन आप एक्सप्रेशन याद रखना दैट इज क्या है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, इधर आएगा आर क्यूब लिख सकते हो या डिस्टेंस का क्यूब। ओके, इसको रीड कैसे करेंगे, ये जो पार्ट इसको बोलते हैं क्या है, द स्क्वायर ऑफ क्या, टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड, ऑफ रेवोल्यूशन किसका, ऑफ प्लैनेट अराउंड क्या बोला गया, अराउंड सन। ठीक है, इसको टी टू टी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट किसके अराउंड, सन के अराउंड। ये क्या रहेगा बोला गया, ये जो साइन है इसको क्या बोलेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, क्यूब है, तो इधर आएगा क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। किसके बीच का मीन डिस्टेंस है, प्लैनेट एंड किसके बीच में, सन के बीच में। क्वाइट इजी है एक्सप्रेशन, आपको मेन याद रखना है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड किसका टाइम पीरियड, रेवोल्यूशन मतलब घूमने का, किसके अराउंड, प्लैनेट के, प्लैनेट का किसके अराउंड, सन के अराउंड। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब। किसका क्यूब, डिस्टेंस का, किसका डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन का जो डिस्टेंस है उसके क्यूब से क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर आते सेकेंड, तो सेकेंड जो टॉपिक है दैट इज यहाँ पे दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। अब ये लॉ मेन बोलता क्या है, तो ये लॉ हमें बोलता है कि हर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट क्या करता है बोला गया, अट्रैक्ट करता है किसको, एवरी अदर ऑब्जेक्ट को। किसके साथ बोला गया, विथ अ फोर्स। ओके, अब ये फोर्स के बारे में बोलना है, ये जो फोर्स रहेगा ये फर्स्ट रहने वाला है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब क्या, एम वन एंड एम वन इंटू एम टू। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बाद कौन सा प्रोपोर्शन आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट्स। तो क्वाइट इजी, एवरी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट किसके साथ, एक फोर्स के साथ। अब ये जो फोर्स रहेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाले किससे, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस से। एंड क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। ओके, अब यहां पे इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, प्रोडक्ट ऑफ क्या, मासेस। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, डिस्टेंस के स्क्वायर से। फिर यहां पे एफ
इक्वल टू हमने डाला तो एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, जी एम वन एम टू अपॉन यहाँ पे होगा डी स्क्वायर, जहां पे जी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इधर क्या आएगा दैट इज कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है इट इज 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन यहां पे ये क्या आएगा केजी स्क्वायर। केजी स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो केजी रेस टू क्या होगा -2। इट्स वेरी सिंपल, हर ऑब्जेक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है किसके साथ, एक फोर्स के साथ। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसको मैंने सिंबल के फॉर्म में लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम वन इंटू एम टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो एफ इक्वल्स यहाँ पे आएगा जी एम वन एम टू डी स्क्वायर, जी इक्वल्स टू यहाँ पे 6.673 × 10⁻¹⁻ यहाँ पे आएगा -11 आएगा, यहाँ पे -11 है। ओके अब जाते हैं, अब जो नेक्स्ट है दैट इज तीसरा, तीसरा क्या है डिस्टिंग्विश बिटवीन, किसके बीच में बोला गया मास, एंड दूसरा क्या बोला गया दैट इज वेट। ओके तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मास क्या है, अमाउंट ऑफ क्या मेजर करता है मैटर, वेट क्या है फोर्स विथ विच अर्थ क्या करेगा, अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। वेरी इजी, मास इज अमाउंट ऑफ मैटर, फोर्स वेट क्या है, फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। मास एसआई यूनिट क्या रहेगा दैट इज केजी, वेट का जो एसआई यूनिट रहेगा वो आएगा दैट इज न्यूटन, क्या रहेगा ये सेम, ये क्या रहेगा डिफरेंट। ठीक है इसके आगे, सेम तो एवरीवेयर है डिफरेंट एवरीवेयर, मास क्या मेजर करता है अमाउंट ऑफ इनर्शिया या मेजर ऑफ इनर्शिया भी आप लिख सकते हो, वेट का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, यहां पे क्या आएगा एम इंटू क्या होगा जी। तो क्वाइट इजी है, मास अमाउंट ऑफ मैटर है, फोर्स वेट क्या है फोर्स जो अर्थ क्या करता है हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, मास का यूनिट है केजी, वेट का यूनिट है न्यूटन, मास सेम एवरीवेयर रहेगा वेट डिफरेंट एवरीवेयर रहेगा, मास क्या मेजर करता है अमाउंट ऑफ इनर्शिया, वेट का फॉर्मूला क्या है एम इंटू क्या है दैट इज जी। एक जो पॉइंट बच गया, ये कैसा टाइप का क्वांटिटी है स्केलर, ये कैसा क्वांटिटी है वेक्टर। ठीक है तो पांच पॉइंट्स क्वाइट इजी, पहले मास के बारे में बताते, अमाउंट ऑफ मैटर ऐसा यूनिट केजी, सेम रहेगा एवरीवेयर, स्केलर क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ इनर्शिया मेजर करते हैं या मेजर ऑफ इनर्शिया है, वेट क्या है फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट, यूनिट न्यूटन है, डिफरेंट हर जगह पे, वेट का फॉर्मूला एम इंटू जी, कैसा टाइप का क्वांटिटी है वेक्टर, क्वाइट इजी है। अब आते नेक्स्ट वाले पे, दैट इज यहां पे क्या बोला गया वेरिएशन इन क्या बोला गया दैट इज जी। अब लेट्स से आपको इससे बेस्ट एक गिव रीजन आ गया कि क्या बोला गया दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया दैट इज वैल्यू ऑफ जी इज पूछा गया हाइएस्ट एट क्या बोला गया दैट इज पोल्स। अब इसका गिव रीजन आप कैसे लिखोगे, तो आपको कुछ पॉइंट्स पहले मेंशन करना है, पहले ड्यू टू क्या बोलना है दैट इज रोटेशन, अर्थ बल जो होगा कहां पे बोला गया दैट इज इक्वेटर, फ्लैट रहेगा कहां पे बोला गया दैट इज पोल्स। ओके अब सेकंड पॉइंट रेडियस, इसकी वजह से क्या होगा हाईएस्ट, हाइएस्ट कहां पे रहेगा दैट इज इक्वेटर में रहेगा, एंड लोएस्ट कहां पे रहेगा दैट इज पोल्स पे रहेगा। ठीक है रेडियस हो गया, रेडियस हाइएस्ट हो गया इधर, लोएस्ट हो गया पोल्स पे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी हाइएस्ट कहां पे रहेगा पोल्स पे, कितना है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लोएस्ट कहां पे रहेगा दैट इज इक्वेटर, किसके वजह कितना रहेगा दैट इज 9 पॉइंट, यहां पे कितना आएगा दैट इज 78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रीजन आप क्या लिखोगे
एज द वैल्यू ऑफ क्या है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ क्या है डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वाइट इजी है। पहले आपको स्टार्ट किसे करना है, रोटेशन से। अर्थ बल्ज है, बल्ज मतलब इसका साइज बढ़ेगा कहां पे, इक्वेटर में, एंड फ्लैट रहेगा कहां पे, पोल्स पे। रेडियस इसकी वजह से हाईएस्ट कहां पे रहेगा, इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पे बड़ा हो गया तो रेडियस भी ज्यादा होगा किधर, इक्वेटर पे। पोल्स पे क्या रहेगा, लोएस्ट रहेगा। इसकी वजह से उल्टा सोचना है, उल्टा सोचना है क्या, एज द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जहां पे डिस्टेंस ज्यादा वहां पे जी का वैल्यू लेस, जहां पे डिस्टेंस कम वहां पे क्या रहेगा, जी का वैल्यू हाईएस्ट। अभी हमने बात किया था तो वैल्यू ऑफ जी हाईएस्ट कहां पे रहेगा, पोल्स पे, कितना रहेगा 9.832 मीटर पर सेकेंड। लोएस्ट कहां पे रहेगा, इक्वेटर पे, 9 पॉइंट क्या रहेगा, 78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि कैसे टाइप का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो एग्जाम में लेट से आपको पूछा है वैल्यू ऑफ जी इज लोएस्ट एट द पोल्स, आप यही सेम चीज लिखोगे। आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। एक और बार शॉर्ट में समझाता हूं, रोटेशन की वजह से अर्थ बल्ज होगा, किधर बल्ज होगा, इक्वेटर पे। बल्ज होने की वजह से रेडियस बढ़ेगा किधर, सेम चीज इक्वेटर पे। फ्लैट रहेगा कहां पे बोला गया, पोल्स पे, तो ऑफकोर्स रेडियस क्या होगा, लेस होगा कहां पे, पोल्स पे। वैल्यू ऑफ जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, अब ज्यादा डिस्टेंस कहां पे था, इक्वेटर, तो वहां पे वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, लेस, 9 पॉइंट कितना आएगा, 78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियस कहां पे लेस था, पोल्स पे, तो वहां पे जी का वैल्यू क्या रहेगा, सबसे हाईएस्ट, विच इज कितना आएगा, 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये पार्ट ढंग से आपको क्लियर है। ओके, अब आते सेकेंड गिव रीजन पे। सेकेंड गिव रीजन ऐसे आपको पूछा सकता है, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको ऐसे पूछा गया। ओके, पहले आप क्या बोलोगे, पहले आप बोलोगे फर्स्ट पॉइंट पे, जैसे आप नीचे जाओगे अर्थ के नीचे, आर का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। तो सबसे पहले आप जैसे ऐसे लिख सकते हो, एज वी गो किधर, इनसाइड, इसकी वजह से क्या होगा, आर क्या होगा यहां पे, डिक्रीजेस। ठीक है, आर डिक्रीज हो गया, देयरफॉर इसकी वजह से क्या होना चाहिए, वैल्यू ऑफ जी शुड क्या होगा, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कैसे टाइप का रिलेशन, इनवर्स, अंदर जाएंगे आर डिक्रीज होगा, आर डिक्रीज होगा वैल्यू ऑफ जी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन द पार्ट ऑफ अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, किसको कंट्रीब्यूट करता है, टू ग्रेविटेशन, ये कौन है, दैट इज कैपिटल एम, ये क्या होता है, डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर मास डिक्रीज होने के वजह से जी शुड ऑल्सो क्या होना चाहिए, बोला गया डिक्रीज। क्वाइट इजी समझने को, क्वाइट इजी समझने को, पार्ट ऑफ द अर्थ जो ग्रेविटेशन को कंट्रीब्यूट करता है, कौन था, कैपिटल एम, वो डिक्रीज होने के वजह से क्या होएगा, जी का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लास्ट में आप क्या बोलोगे, ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, किसका कंबाइंड इफेक्ट, आर एंड कैपिटल एम का, द वैल्यू ऑफ जी क्या होता है, डिक्रीजेस, काफी डिक्रीजेस Inside the earth। ठीक है, क्वाइट ईजी। पहले क्या बोलना है, अंदर जाते जाते R क्या होगा, डिक्रीज, R डिक्रीज होगा वैल्यू G क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। पार्ट ऑफ अर्थ जो किसको कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ग्रेविटेशन, क्या था, कैपिटल M, ये क्या होता है, डिक्रीज होता है, देयरफॉर G क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अब पार्ट ऑफ द जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ग्रेविटेशन, तो G जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, बोला गया एम से, तो अगर एम कम होगा तो जी भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इधर दो चीजों का कंबाइंड इफेक्ट है, तो इधर दिख रहा है हम लोग को जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसके वजह से, आर कम होने से, दूसरे इसमें क्या नोटिस हो रहा है, मास कम होने से जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है. किसका कंबाइंड इफेक्ट? ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर एंड एम. क्या होता है वैल्यू ऑफ जी? क्या होता है? डिक्रीज होता है. किसकी वजह से? एज वी मूव इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ. इसका रीजन समझाता हूं. आर का वैल्यू कितना है? 6400 किलोमीटर. मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 × 10⁴ kg है. यहाँ पे बेसिकली 6 followed by 24 जीरोज है. तो किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा? मास का कॉन्ट्रीब्यूशन. इसीलिए क्या होता है? मास कम होने की वजह से जीबी क्या होता है? लेस होता है. एक और बार लास्ट है, ध्यान से सुनना. अंदर जाते जाते आर क्या होगा? डिक्रीज. आर जी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. इनवर्स रिलेशन है. हाउएवर पार्ट ऑफ अर्थ जो ग्रेविटेशन को कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो डिक्रीज होता है. कौन था वो? एम. जी और एम में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट. एम डिक्रीज हो रहा है तो जी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. इसकी वजह से जी क्या होगा? डिक्रीज होने की वजह से. अब आगे जाते तो दो का कंबाइंड इफेक्ट है. कौन दो? आर एंड एम का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. इसीलिए वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? डिक्रीजेस एज वी गो इनसाइड द सर्फेस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट दैट इज ये एस्केप वेलोसिटी का रिलेटेड एक डेरिवेशन का पार्ट है जो आपको कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है. ओके, ये क्या है? दैट इज एक है एट सरफेस और दूसरा कहां पे रहेगा? एट इंफिनिटी. सबसे पहले चीज काइनेटिक एनर्जी. यहां पे आएगा हाफ एम वी एस्केप का क्या होगा? स्क्वायर. इधर जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जीरो. नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी. ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन क्या होगा? आर. इधर जो पोटेंशियल एनर्जी है ये आएगा माइनस जी एम एम अपॉन क्या होगा? इंफिनिटी, विच इज इक्वल टू कितना होगा? जीरो. नेक्स्ट है टोटल एनर्जी. दो चीजों का बना है, हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर प्लस प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस जी एम एम अपॉन क्या होगा? आर. वैसे यहां पे टोटल एनर्जी ये इक्वल टू यहां पे कितना होगा? जीरो प्लस क्या होगा? जीरो, विच इज इक्वल टू कितना होने वाला है? दैट इज जीरो. तो ये कंप्लीट द फॉलोइंग में आने का इसका चांस है. तो ये जस्ट एक करके रख देना, बहुत इजी है. काइनेटिक एनर्जी सरफेस पे हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? माइनस जी एम एम अपॉन आर. टोटल एनर्जी बस दोनों को क्या करना है? एड. प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस. इसके लिए इधर माइनस जी एम एम बाई आर आया. काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे रेस्ट पे रहता है ऑब्जेक्ट तो जीरो रहेगा. पोटेंशियल जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी कोई बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करता है तो आंसर किसके पास जाता है? जीरो. टोटल एनर्जी क्या रहेगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, विच इज जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. आई होप यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट है कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन जो एक मार्क इसमें आ सकते हैं. फर्स्ट इज फ्री फॉल. तो फ्री फॉल क्या है? वेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या है? ग्रेविटी अलोन. इट इज सेट टू बी इसके अंदर फ्री फॉल. मतलब बोलने का मतलब क्या है? अगर सिर्फ कोई कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरते जा रहा है और कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तब हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट इसमें रहेगा फ्री फॉल में. फिर सेकेंड इज एस्केप वेलोसिटी. तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? इट इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी. इट इज मिनिमम मतलब सबसे कम एनर्जी देना पड़ता है. मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी किसका? बॉडी का. किसी कोई बॉडी जिसको हम लोग रिलीज करें, ऑफ द बॉडी. फिर आगे फॉर विच बॉडी क्या कर सकता है? कैन ओवरकम द डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ. ठीक है, क्वाइट इजी. ये क्या है? मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी किसको देना पड़ता है? कोई भी बॉडी को, ताकि वो क्या कर सके? अर्थ का डाउनवर्ड पुल को क्या कर सके? एस्केप कर सके. वेरी इजी. एक हमें क्या देना पड़ता है? स्टार्टिंग में वेलोसिटी देना पड़ता है. ये वेलोसिटी मिनिमम रहना चाहिए. किसका मिनिमम रहना चाहिए? हमें यहां पे बॉडी को क्या करना चाहिए? डाउनवर्ड पुल ऑफ अर्थ को क्या करना चाहिए? ओवरकम. इतना अगर आपने वेलोसिटी दिया तो ये वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी करके बोलेंगे.
फिर लास्ट पार्ट जो है, जो लास्ट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है? फोर्स जो किस पे एक्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक सर्कल में रोटेट करता है, ठीक है? तो फोर्स विच एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कंडीशन क्या है, विच इज मूविंग, किसमें बोला गया, इन अ सर्कल इज कॉल्ड कौन सा फोर्स, दैट इज सेंट्री पेटल फोर्स। आई होप ये पॉइंट आपको ढंग से क्लियर है करके। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर वन क्या हो जाता है, कंप्लीट ऑफ हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर टू। ओके, अब आते सेकेंड चैप्टर पे। तो सेकेंड चैप्टर का सबसे पहला जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, सो हम लोग क्या बोलते हैं, डॉबरीनस, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज स्ट्राइड्स। ओके, तो सबसे पहले चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट जो मेन है, प्रॉपर्टीज किसका बोला गया, एलिमेंट्स क्या बोला गया, रिलेटेड है, किसे रिलेटेड है बोला गया, उनके एटॉमिक मासेस से। तो उसने क्या किया बोला गया, ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स बनाए, ठीक है? तो यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ये थ्री एलिमेंट्स का क्या था, दैट इज सिमिलर केमिकल क्या थे, प्रॉपर्टीज थे, और इनको उसने क्या नाम दिया बोला गया, ट्रायड्स करके क्या दिया, नाम दिया। अब क्या किया, अरेंज किया उसने, कैसे अरेंज किया बोला गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बोला गया, एटॉमिक मासेस। ठीक है, क्वाइट इजी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किससे रिलेटेड बोला है, एटॉमिक मासेस से, ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स बनाए, उन सबका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या था, सिमिलर था, नाम क्या दिया, ट्राइड्स। अरेंज किया इसने क्या थ्री एलिमेंट्स को, कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस से, और इसने क्या शो किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ही शोड क्या शो किया, एटॉमिक मास किसका बोला गया, मिडिल एलिमेंट का, किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, इक्वल किससे, टू द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। ठीक है, एक और बार, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किसे रिलेटेड, उसके एटॉमिक मासेस से, क्या बना इसने, ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नाम क्या रखा, ट्राइड्स, अरेंज थ्री एलिमेंट्स कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से, बताया क्या, एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल रहेगा किससे, मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स से, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। उसने एक ग्रुप बनाया, किसका था, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम है 6.9, पोटेशियम कितना था, 39.1, सोडियम का क्या था, दैट इज 6.9 प्लस 39.1 अपॉन क्या आएगा, 2 विच इक्वल टू 46 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू क्या, 23। तो ये आप एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, ठीक है, 6.9 प्लस 39.1 डिवाइड बाय 2 46 अपॉन 2 इक्वल टू कितना है, 23। लास्ट टाइम वापस ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स किससे रिलेटेड है, एटॉमिक मासेस से, ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स बनाए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, नाम रखा ट्राइड्स, अरेंज किया थ्री एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस से, बताया क्या उसने, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास इक्वल है किससे, मीन ऑफ अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस से। आई होप ये पार्ट ढंग से क्लियर है। फिर आते सेकेंड टॉपिक पे। तो जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज क्या, न्यूलैंड्स क्या है, ऑक्टेव्स। इसने भी सेम स्टार्ट कैसे किया, अरेंज किया, कैसे अरेंज किया, सेम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, सेम एटॉमिक मासेस, किसे स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से, कहां तक गया, थोरियम तक गया। ओके, क्या देखा इसने, एवरी कौन सा एलिमेंट, एट एलिमेंट क्या शो किया, दैट इज सिमिलैरिटी, किसे सिमिलैरिटी शो किया,
फर्स्ट एलिमेंट से क्या किया, शो किया। फिर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में क्या है, उसने बोला सोडियम कौन सा एलिमेंट था, एथ एलिमेंट, किसे सिमिलैरिटी शो किया, फर्स्ट एलिमेंट जिसका नाम क्या था, दैट इज लिथियम से सिमिलैरिटी शो किया। किसे कंपेयर किया, कंपेयर्ड किससे, ऑक्टेव्स ऑफ क्या बोला गया, म्यूजिक से। देयरफॉर नाम क्या पड़ा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, एक और बार, कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास, स्टार्ट किसे किया, हाइड्रोजन, एंड कहां पे किया, थोरियम। एवरी एथ एलिमेंट की सिमिलैरिटी शो किया फर्स्ट एलिमेंट से, एग्जाम्पल क्या था, सोडियम एथ एलिमेंट था, शोड प्रॉपर्टी टू सिमिलर टू क्या बोला गया, फर्स्ट एलिमेंट, नाम क्या था उसका, लिथियम। किसे कंपेयर किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव, सॉरी ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक से, नाम क्या पड़ा, लॉ ऑफ ऑक्टेव। इजी, एक और बार ध्यान से, अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में, स्टार्ट किया हाइड्रोजन, एंड किया थोरियम पे, क्या बताया, एवरी एथ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलैरिटी शो करता है, एग्जाम्पल सोडियम एथ एलिमेंट था, लिथियम फर्स्ट एलिमेंट था, शोड सिमिलैरिटी। फिर किसे कंपेयर किया, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक से, इसलिए नाम क्या पड़ा, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्वाइट इजी, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना। फिर नेक्स्ट आते, दैट इज सी वाला पार्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसमें तीन चार चीजें जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यहां पे आप क्या बोलोगे, प्रॉपर्टीज, किसका प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स का, क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, किसका पीरियोडिक फंक्शन है, उनके एटॉमिक नंबर्स के। एक और बार, प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, किसका, उनके एटॉमिक नंबर्स का। ठीक है, अब आते इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी कौन है, दैट इज एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल जेड से। तो तीसरा, बात करते किसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले इसमें क्या रहेगा, 18 वर्टिकल कॉलम्स, इसका नाम क्या रखा उसने, ग्रुप्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, नाम क्या रखा उसने, पीरियड्स। फिर 4 ब्लॉक्स, नाम क्या रखा, एस पी डी और क्या, एफ। 118 क्या आते, दैट इज बॉक्सेस फॉर 118 क्या आते, एलिमेंट्स। नेक्स्ट, लेफ्ट में क्या रहेंगे, सारे मेटल्स, राइट में क्या रहेंगे, सारे नॉन मेटल्स। जिगजैग लाइन पे क्या रहेंगे, मेटलॉइड्स। चलो ये पार्ट हो गया। फिर इसके आगे नेक्स्ट क्या किया, तो नेक्स्ट जो है यहां पे आप बोल सकते हो कि सबसे फर्स्ट आप यहां पे लिख सकते हो, दैट इज टू ग्रुप्स कहां पे रखा है, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसका स्पेलिंग मेन ध्यान देना, नाम क्या था, एक्टिनाइड सीरीज, एंड दूसरे का नाम क्या था, दैट इज लैंथनाइड, यहां पे क्या होगा, दैट इज सीरीज। इट्स वेरी सिंपल, 118 वर्टिकल कॉलम्स, इसका नाम रखा ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, नाम रखा पीरियड्स, 4 ब्लॉक्स, एस पी डी एंड एफ, 118 बॉक्सेस, 118 एलिमेंट्स के लिए, लेफ्ट साइड मेटल्स, राइट साइड नॉन मेटल्स, बीच में एक जिगजैग लाइन है जिसके ऊपर क्या रहेगा, मेटलॉइड्स। टू ग्रुप्स है कहाँ पे, बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, नाम क्या है इनका, एक्टिनाइड सीरीज एंड लैंथेनाइड सीरीज। फिर आपको चाहिए तो थोड़ा और पॉइंट्स लिखना, आप वो भी लिख सकते हो। एस ब्लॉक जो है इसमें ग्रुप्स कौन सा आएगा, वन एंड क्या होगा, टू, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। पी ब्लॉक इसमें ग्रुप्स क्या रहेगा, दैट इज 13 टू क्या होगा, 18। डी ब्लॉक यहाँ पे कितना आएगा, 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक। डी ब्लॉक को किसके नाम से बोलते, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप यहां तक आपको ढंग से क्लियर है, इट्स वेरी सिंपल।
18 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स, 4 ब्लॉक्स एस पी डी एंड एफ, 118 बॉक्सेस 118 एलिमेंट्स के लिए, लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स, राइट साइड में सारे नॉन मेटल्स, बीच में एक जिगजैग लाइन है जो क्या रहेगा मेटलॉइड्स के लिए, 2 ग्रुप से बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल पे, नाम किया लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। फिर आपको चाहिए तो ग्रुप नंबर्स याद करने कर सकते हो, एस ब्लॉक में 1 एंड 2, पी ब्लॉक में दैट इज क्या रहेगा 13 to 18, डी ब्लॉक में 3 to कहां तक रहेगा 12 तक, एंड लास्ट क्या रहने वाला है एफ, एफ ब्लॉक को कहां पे रखते हैं दैट इज पीरियोडिक टेबल के नीचे, वो तो हो गया। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, आपको याद करने पॉइंट कर सकते हो, लेकिन जो मैंने पहले का पॉइंट्स मेंशन किया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद आप कर लेना। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड दैट इज मेंडलीव्स करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट मेंडली कैसे स्टार्ट करते हैं। अभी ये मेंडली किस में सबसे पहला आता है उसका लॉ, जैसे पिछले बार प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स कि क्या बोला गया, ये जो प्रॉपर्टीज रहेगा इस क्या रहेगा पीरियोडिक फंक्शन, किसका पीरियोडिक फंक्शन रहेगा उनका एटॉमिक, पिछले बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर है, यहां पे क्या रहेगा एटॉमिक क्या रहने वाला दैट इज मासेस का। फिर इसके आते हैं सेकेंड लॉ के बाद नेक्स्ट क्या, दैट इज लॉ होने के बाद आपको मेन क्या याद रखना है दैट इज इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी रहेगा वो क्या रहने वाला दैट इज एटॉमिक क्या रहेगा मास, रिप्रेजेंटेड बाय क्या कैपिटल क्या रहेगा ए। अब आते इसके दो जो मेन टॉपिक्स है, सबसे फर्स्ट क्या रहेगा दैट इज इसका मेरिट्स। ओके, अब ये मेरिट्स के बारे में इसका बात करते तो क्या क्या मेरिट्स था इसमें। सबसे पहले एटॉमिक मास को क्या किया गया रिवाइज, तो ध्यान देना ये फर्स्ट पॉइंट है, इसे आपको दो ही चीज मेन याद रखना है, बेरिलियम का मास 14 रिवाइज्ड फ्रॉम 14.09 से 9.4, देयरफॉर बेरिलियम वॉज प्लेस्ड किसके पहले बोरॉन के पहले, क्वाइट इजी, बेरिलियम का एटॉमिक मास वॉज रिवाइज फ्रॉम 14.09 से 9.04, इसकी वजह से बेरिलियम को किसके पहले रखा, इट वॉज प्लेस्ड बिफोर बोरॉन। फिर आते सेकेंड अनडिस्कवर्ड, यहां पे क्या रहेगा दैट इज एलिमेंट्स। ओके, अभी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स में क्या किया इसने, सबसे पहले kept vacant spaces, सबसे पहले इसने अपने periodic table में vacant spaces रखा, नाम उसने क्या रखा that is A का boron, A का aluminium and last क्या रखा A का क्या रखा that is silicon। चलो ये हो गया, A का boron जो है उसका उसने नाम क्या रखा that is discover होने पे, later on when these elements were discovered इट वॉज नेम एज कैंडियम, ए का एल्यूमिनियम को नाम क्या रखा दैट इज गैलियम, एंड ए का सिलिकॉन जो है इसका नाम क्या रखा दैट इज जर्मैनियम। और यही नहीं, सिर्फ ये नहीं, नॉट ओनली दिस, ही ऑल्सो क्या किया प्रेडिक्टेड देयर क्या प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक और बार, क्या क्या वेकेंट स्पेसिस रखा फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड, नाम क्या रखा एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, लेटर ऑन व्हेन दिस एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड देयर प्रॉपर्टीज मैच्ड मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल, प्लस नाम क्या रखा उसका स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। आपको इतना याद नहीं होता है, अब बस क्या याद रखो, ही केप्ट वेकेंट स्पेसिस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, नेम देम एज एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, later on when these elements were discovered they were named as scandium, gallium, germanium, their properties matched with Mendeleev's prediction। बस इतना लिखो आप, उतना काफी है। एक और बार ध्यान सुनना, kept vacant spaces किसके लिए, for elements not discovered, एक named them as eka boron, eka aluminium, eka silicon, later on when these elements were discovered they were named scandium, gallium, germanium, not only this their properties well matched with Mendeleev's prediction। You get second। फिर आते next, next क्या that is noble gases। Okay,
अबे नोबल गैसेस क्या है? तो नोबल गैसेस, पहली चीज मेंडलीव के लिए उसने क्या किया, उसने कोई स्पेस रखा नहीं, तो आप यहां पे ले सकते हो मेंडलीव कैप नो स्पेस। किसके लिए नो स्पेस रखा? नोबल गैसेस के लिए। उसने क्या क्रिएट किया? क्रिएटेड कौन सा ग्रुप? जीरो ग्रुप, ठीक है, एंड फिटेड, किसको फिट किया? नोबल गैसेस, क्या करके? विदाउट चेंजिंग पोजिशन, ठीक है। एक और बार, मेंडली क्या किया? नो स्पेस, किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए रखा ही नहीं। तो उसने क्या किया? उसने एक जीरो ग्रुप क्रिएट किया, क्या करने के लिए? नोबल गैसेस को प्लेस करने के लिए, विदाउट चेंजिंग पोजिशन। आई होप ये पार्ट आपको ढंग से क्लियर है। एक और बार वापस स्टार्टिंग से, एटॉमिक मास बेरिलियम 14.09 से क्या किया? 9.04 चेंज किया, इसी वजह से बेरिलियम बोरॉन पे पहले प्लेस किया गया। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, बहुत सारे वेकेंट स्पेसेस ने रखे, किसके लिए? अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। नाम क्या रखा? एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। जैसे वो लोग डिस्कवर हुए, इनका नाम आया स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। नॉट ओनली दिस, उनका प्रॉपर्टीज भी क्या किया? मैच किया मेंडलीव के प्रेडिक्शंस को। मेंडलीव ने नो स्पेस रखा, किसके लिए? नोबल गैसेस के लिए। तो उसने क्या क्रिएट किया? एक जीरो ग्रुप क्रिएट किया, और इसने क्या किया? सारे जो नोबल गैसेस है उसको क्या किया? अपने पीरियोडिक टेबल में फिट किया, बिना कोई पोजीशन चेंज किए। लास्ट टाइम बेरिलियम का एटॉमिक मास किया 14.09 से 9.04, तो बेरिलियम वॉज प्लेस बिफोर क्या है? बोरॉन। उसने अपने पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे स्पेसेस रखे, किसके लिए? एलिमेंट्स नॉट येट डिस्कवर्ड। नाम क्या रखा? एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। लेटर ऑन जब वो डिस्कवर हुए, नाम क्या रखा पड़ा उनका? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। सिर्फ वही नहीं, उनके प्रॉपर्टीज भी मेंडलीव का प्रेडिक्शन को मैच किया। नोबल गैसेस, मेंडलीव ने कोई स्पेस नहीं रखा नोबल गैसेस के लिए, लेकिन उसने क्या किया? जीरो ग्रुप बनाया एंड अकोमोडेटेड या फिटेड ऑल द नोबल गैसेस इन इट। आई होप ये मेरिट्स आपको अच्छे से अभी क्लियर हो गया रहेगा। अब जाते हैं डीमेरिट्स पे। अब बात करते डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब क्या है? क्या क्या प्रॉब्लम्स था, मेरिट्स मतलब क्या क्या फायदा था। तो डीमेरिट्स सबसे पहले है एटॉमिक मास का ही प्रॉब्लम था। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था? होल नंबर किसका? एटॉमिक मास का। किसके लिए? फॉर निकेल एंड किसके लिए? दैट इज कोबाल्ट के लिए। क्या था ये? सेम था, देयरफॉर एम्बिग्यूटी था। एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, किसके बारे में? प्लेसमेंट के बारे में, किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। एक और बार, जो एटॉमिक मास का होल नंबर था निकेल एंड कोबाल्ट का, ये दोनों क्या था? सेम था, इसकी वजह से एम्बिग्यूटी था। किसके रिलेटेड? उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड। फिर आते सेकेंड, सेकेंड प्रॉब्लम था दैट इज आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स का स्पेशलिटी क्या है? इनका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा? बोला गया दैट इज सेम, लेकिन इनका दैट इज एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट। देयरफॉर इट वॉज क्या? अ चैलेंज। क्या चैलेंज था? टू प्लेस आइसोटोप्स, ठीक है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। एक और बार वापस, एटॉमिक मासेस, होल नंबर जो एटॉमिक मास था, कौन से एलिमेंट्स? निकल एंड कोबाल्ट का, क्या था? सेम, इसकी वजह से एम्बिग्यूटी था। किससे रिलेटेड? उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स केमिकल प्रॉपर्टी सेम, उसे क्या रहेगा? एटॉमिक मास क्या रहेगा? डिफरेंट। इसकी वजह से क्या था? चैलेंज था आइसोटोप्स को प्लेस करने, बहुत इजी। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले राइज ऑफ क्या है? एटॉमिक मास। इस क्या बोला गया? नॉट यूनिफॉर्म। एक और बार, जो एटॉमिक मासेस का जो राइज है, ये क्या यूनिफॉर्म नहीं है? तो यूनिफॉर्म नहीं आने की वजह से क्या हो गया? डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट।
क्या प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट था वो भी आपको बताना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके बीच में, बिटवीन टू हैवी एलिमेंट्स के बीच में। एक और बार, जो राइज ऑफ एटॉमिक मास है ये क्या है, नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म मतलब वो कभी ज्यादा बढ़ता है कभी कम बढ़ता है या कभी बढ़ता भी नहीं है, तो ये क्या यूनिफॉर्म नहीं है बोला। इसीलिए डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट था। क्या था डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट करने, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे किसके बीच में, दो हैवी एलिमेंट्स के क्या रहेगा बीच में। अब लास्ट आते हैं, दैट इज पोजिशन ऑफ क्या, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, अभी पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन में क्या डिफिकल्टी था, हाइड्रोजन किसको रिसेंबल करके बोला गया, दैट इज एल्कली मेटल्स को। ठीक है, कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ किसका, ठीक है इतना भी आप लिखोगे तो भी चलेगा, हाइड्रोजन और किसको रिसेंबल करता है, हैलोजेंस को भी क्या करता है, रिसेंबल करता है। इसकी वजह से करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी डिसाइडेड। बस इतना ही लिखो, हाइड्रोजन रिसेंबल्स एल्कली मेटल्स बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा, हाइड्रोजन ऑल्सो रिसेंबल्स क्या बोल सकते हैं, हैलोजेंस। देयरफॉर लास्ट में करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको एल्कली मेटल्स के ग्रुप में रखना है कि हैलोजेंस, यही सबसे बड़ा क्या था कंफ्यूजन। तो चार पॉइंट्स क्वाइट इजी। एक और बार वापस, एटॉमिक मासेस का होल नंबर सेम था, किसका, कोबाल्ट एंड निकल का। देयरफॉर एम्बिग्यूटी था किसे रिलेटेड, उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड। आइसोटोप्स केमिकल प्रॉपर्टीज सेम लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, देयरफॉर आइसोटोप्स को मेंडेलिक के पीरियोडिक टेबल में प्लेस करना चैलेंज था। प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मासेस का राइज यूनिफॉर्म नहीं है, देयरफॉर क्या प्रॉब्लम था, प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट्स किसके बीच में, दो हैवी एलिमेंट्स के बीच में। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स को रिसेंबल करता है, हाइड्रोजन ऑल्सो रिसेंबल्स हैलोजेंस। देयरफॉर करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी डिसाइडेड। ये था इसके चार डीमेरिट्स। इतना भी अगर आपने अच्छे से याद किया तो भी आपको फुल मिलेगा, जस्ट आप प्रॉपर जो मेन मेन पॉइंट्स है वो जैसे मैंने लिखा है वैसे आप याद करना। अब आते सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इससे रिलेटेड जो गिव रीजंस है। ओके, तो आते सबसे पहले, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट में। ओके, सबसे पहले आपको क्या बोलना है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीजेस बाय कितना, वन। एटॉमिक नंबर तो बढ़ गया, साथ ही साथ पॉजिटिव चार्ज ऑन क्या, न्यूक्लियस कितने से बढ़ता है, प्लस वन से। एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज एडेड किसको, सेम आउटर मोस्ट शेल को। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज्ड क्या, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टूवर्ड्स किधर, न्यूक्लियस की तरफ, एंड देयरफॉर एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट किसमें, एक पीरियड में। क्वाइट इजी, एटॉमिक नंबर वन से बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज वन से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है सेम शेल में ऐड होता है, उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इसी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट में। बहुत इजी, एक और बार ध्यान सुनना, एटॉमिक नंबर वन से बढ़ता है, पॉजिटिव न्यूक्लियस पे प्लस वन से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल को ऐड होता है, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पुल किया जाता है कहां पे, टूवर्ड्स न्यूक्लियस, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस की तरफ पुल किया जाता है, इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट जाते हो, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज। ओके, अब इधर एटॉमिक साइज क्या बोला गया, इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम। पहले एटॉमिक साइज है क्या, इसका डेफिनेशन, डिस्टेंस किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड कौन सा शेल, आउटर मोस्ट शेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। ओके, नीचे टॉप टू बॉटम जाते
वन शेल इज क्या बोला गया, दैट इज एडेड। टॉप टू बॉटम जाते जाते वन शेल क्या होता है बोला गया, एड होता है। अभी वन शेल एड होने से क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता है बिटवीन क्या, न्यूक्लियस एंड किसके बीच में, आउटर मोस्ट शेल के बीच में। बहुत ही इजी, टॉप टू बॉटम जाते वक्त वन शेल एड होता है, इसकी वजह से क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। देयरफॉर क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है कासे का टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। एक और बार, एटॉमिक साइज क्या, उसका डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, टॉप टू बॉटम वन शेल इज एडेड, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम में। आई होप ये पार्ट ओके। अब क्या बोला गया, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, सेम जो हमने ऊपर लिखा है वही सेम आंसर यहाँ पे लिखना है, लेकिन पहले मेटालिक कैरेक्टर का डेफिनेशन ओके। अभी मेटालिक कैरेक्टर क्या है, टेंडेंसी है किसका, ऑफ मेटल्स टू क्या बोला गया, लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, कैटायन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। एक और बार, मेटालिक कैरेक्टर डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ मेटल्स क्या करने के लिए, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्या बोला गया, कैटायंस। पहले एज वी मूव कासे का टॉप टू बॉटम किसमें, ग्रुप में क्या होगा, वन शेल एड होगा, ठीक है, वन शेल एड होने से क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड किसके बीच में, आउटर मोस्ट शेल के बीच में, इसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या आएगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंड देयरफॉर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है कासे का बोला गया टॉप टू बॉटम। बहुत ही सिंपल, मेटालिक कैरेक्टर का पहला डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज अ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्या, कैटायन। टॉप टू बॉटम जाते वक्त इन अ ग्रुप में एक शेल क्या होते रहता है, एड होता है, तो डिस्टेंस बढ़ता है किसके बीच में, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल के बीच में, जिससे एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो हमने पहले पढ़ा था। एटॉमिक साइज बढ़ने से एक और चीज बढ़ जाता है, टेंडेंसी ऑफ फॉर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिससे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अब यहां पे भी सेम, आपको पहले क्या करना है, मेटालिक कैरेक्टर का डेफिनेशन लिखना है। तो अभी लिखा था हमने, मेटालिक कैरेक्टर क्या रहता है, दैट इज टेंडेंसी ऑफ मेटल्स क्या करने, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्या है, दैट इज कैटायन। अब जो हमने ऊपर का पॉइंट्स किया वही यूज कर सकते, आगे क्या बोल सकते, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय कितना, प्लस वन, पॉजिटिव चार्ज किस पे, न्यूक्लियस पे, कितने से बढ़ेगा, प्लस वन से, लेकिन इलेक्ट्रॉन एडेड टू सेम शेल एंड इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि पुल, न्यूक्लियर पुल जो है ये क्या होता है, इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि देखो ना अभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो न्यूक्लियस उसको बहुत ज्यादा अंदर पुश करेगा, इसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन इस बार क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा इस केस में, इस केस में होगा डिक्रीज, एंड इसके वजह से क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। एक और बार, पहले मेटालिक कैरेक्टर का डेफिनेशन, टेंडेंसी ऑफ मेटल्स टू लूज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म क्या है, कैटायंस। एटॉमिक नंबर किससे बढ़ता है, प्लस वन से लेफ्ट टू राइट में, पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस प्लस वन से बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन सेम शेल को ऐड होता है, न्यूक्लियर पुल ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अंदर पुल किया जाता है न्यूक्लियस की तरफ, जिसे साइज क्या होगा, दैट इज छोटा होगा, साइज छोटा होने की वजह से
टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने का भी क्या होगा, लेस, जिससे मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, लेस होगा। ओके अब यहां पे सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप का वैलेंसी क्या बोला गया, सेम। अब वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो आपको लिखना है वैलेंसी इज डिटरमाइंड, किसे डिटरमाइन किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किधर, आउटर मोस्ट शेल पे। एक और बार, वैलेंसी डिटरमाइन किधर से किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कहां पे प्रेजेंट होगा, आउटर मोस्ट शेल में। फिर यहां पे ऑल एलिमेंट्स इन क्या है, सेम ग्रुप, इनका स्पेशलिटी क्या है, इनके पास रहेगा सेम नंबर ऑफ क्या रहने वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। ओके इसके वजह से एलिमेंट्स इन क्या रहेगा, सेम ग्रुप हैव क्या रहने वाला, दैट इज सेम क्या रहेगा, वैलेंसी। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप के पास रहेगा सेम क्या रहने वाला है, वैलेंसी। आई होप ये पार्ट क्लियर है। वैलेंसी डिटरमाइन कौन करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किधर, आउटर मोस्ट शेल में। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, सेम। देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव क्या बोला गया, सेम वैलेंसी। ओके अब आते ये वाले पार्ट पे, तो इसका फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट्स, किसके अंदर, कोई भी पीरियड के अंदर, इसको डिटरमाइन कौन करता है बोला गया, ऑक्टेट रूल उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। एक और बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी पीरियड में डिसाइड कौन करता है, ऑक्टेट रूल उसको क्या करता है, डिसाइड करता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, आर्गन जो है ये क्या है, लास्ट क्या है एलिमेंट है, किसका, थर्ड पीरियड का लास्ट एलिमेंट है। फिर आर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर इस कितना, दैट इज 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, दैट इज 288। फिर नेक्स्ट, आर्गन कंटेन्स कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, किधर, आउटर मोस्ट शेल में, एंड देयरफॉर क्या होगा, उसका ऑक्टेट क्या आएगा, कंप्लीट होगा। ठीक है एक और बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी पीरियड में डिसाइड कौन करता है, ऑक्टेट रूल डिसाइड करता है। आर्गन लास्ट एलिमेंट है, किसका, थर्ड पीरियड का। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.8। आर्गन के पास कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, इसकी वजह से इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट, एंड देयरफॉर थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इवन दो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 18। बहुत ही सिंपल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पीरियड डिसाइड कौन करता है, ऑक्टेट रूल। आर्गन सबसे लास्ट एलिमेंट है, किसका, थर्ड पीरियड का। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288। बाद में बताना क्या है, आर्गन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, देयरफॉर इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, एंड हेंस थर्ड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स इवन दो कैपेसिटी कितना, 18। इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का दोनों का क्या होता है, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाता है। अब जस्ट वापस वापस यही सेम चीज मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको अच्छे से सुनो, एंड ये मेन मेन जो कीवर्ड्स है उसको बार बार रिपीट करके याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू।